नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रमोशन पर। दोस्तों आज है बुधवार और आज जो हमारा टर्न है अभी एक बजा है समय, और इसमें जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी जो कि मैंने स्टडी प्लान चैनल पर अपलोड कर रखा है सामान्य ज्ञान अध्ययन के लिए, तो उसका जो आज हमारा टर्न है तो वह है आपका भूगोल का। और दोस्तों यहाँ पर मैं भूगोल अध्यायवार अध्ययन आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज अध्ययन करवा रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका टॉपिक वाइज अध्ययन हम लोग इस इन वीडियोज़ में कर रहे हैं। मैं यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी, साथ में आपको सामान्य विज्ञान का भी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इन वीडियोस को आप लोग जरूर देखें, इसके सारे के लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट में, एक जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के नाम से, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियोस देखने से आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो एक सीरियल से मैंने उनको यहाँ पर बताया है कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने वहाँ पर बताए हैं, आप लोग इनको जरूर देखें। और ये लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चंस रहेंगे और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो नंबर 3 है भूगोल का, इसके पहले के जो भी वीडियोज़ हैं आप लोग नीचे प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो है वह है, कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है? तो दोस्तों कृषि प्रयोजन के लिए अगर हम मिट्टी के प्रकार की बात करते हैं तो ये होता है सैलाबी जो मिट्टी होती है, इस ये बेहतर होती है। सैलाबी मिट्टी के अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो ये नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा से इसका निर्माण होता है और ये अत्यंत उपजाऊ होती है। इसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियाँ कृषि प्रयोजन के लिए बेहतर हैं। इनमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई किस प्रकार की जो मिट्टी है पाई जाती है? तो ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा कछार, यानी कि एलुवियन मिट्टी। आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर हो जाता है, ए सही आंसर हो जाता है। भारत के ग्रेट उत्तरी समतल भूमि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कछार, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये पाई जाती है। और ये जो मिट्टी होती है ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें रेत, गाद, मृत्तियाँ के भिन्न भिन्न अनुपात पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कपास की जो काली मिट्टी होती है इसे हम बोलते हैं रेगुर मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाता है। ठीक है, जो कपास की काली मिट्टी होती है, ब्लैक कॉटन सोल, इसको हम स्थानीय रूप में रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारत में इस मिट्टी का जो विस्तार है ये मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलता है। और ये जो मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। किस मिट्टी को रेगुर कहा जाता है? तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया, जो काली मिट्टी होती है इसको रेगुर भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो अभी मैंने बताया काली मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त नकदी फसल होती है ये आपकी होती है कपास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से इसमें उगाई जाती है। सॉरी दोस्तों, ये कई सारे क्वेश्चंस मैंने इसी पर ले लिए हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का जरूर ध्यान रखूंगा कि अगर आपको क्वेश्चंस एक मिल जाता है तो उससे क्वेश्चंस रिपीट ना हो। तो भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से इसमें उगाई जाती है, तो काली मिट्टी में जो है ये कपास की फसल जो है मुख्य रूप से उगाई जाती है भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है? ये मैं ऑलरेडी शायद आपको पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण जो मिट्टी का रंग होता है ये लाल होता है। तो आपको सही आंसर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड की जो उपस्थिति होती है इसके कारण जो मिट्टी का रंग होता है ये लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो दोस्तों इनमें से कौन से जो है न्यूनतम छिद्र युक्त मिट्टी होगी? तो ये हो जाती है आपकी चिकनी मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो प्रश्न दिया गया है इसमें अगर हम न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी की बात करते हैं तो ये चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी के कणों के आकार 0.002 मिलीमीटर से कम होते हैं, जबकि गाद भरी मृदा के कणों के आकार 0.002 से 0.05 मिली के बीच, तथा रेतीली मृदा के कणों का जो आकार होता है 0.05 से 2.0 मिली के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे ज़्यादा खेती होती है ये इनमें से अगर हम बात करते हैं तो चावल की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो खेती है ये धान की जो है होती है। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2015-16 के अगर हम आंकड़ों की तरफ नज़र डालते हैं तो भारत के सर्वाधिक यानी कि 43.39 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर धान तथा इसके बाद गेहूँ 30.23
23 मिलियन हेक्टेयर की खेती की जाती है। 2016-17 के अगर आंकड़ों पर हम नज़र डालते हैं तो यूरोप्स में चावल की ही सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों केसर का जो उत्पादन है बड़े पैमाने पर जम्मू और कश्मीर में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक कौन सा राज्य है, वो है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, किसके लिए आवश्यकता होती है? तो ये होती है रबर के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा कंप्लीट पढ़ के देख लें। क्वेश्चन आपका ये है कि अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली जो निम्नलिखित में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 डिग्री से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है कि जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली कौन सी ऐसी फसल है जिसके लिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है? ये आपका पूरा यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर कट हो गया, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक है, तो किस देश के बाद जो भारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश है? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हम प्रश्न में दिए गए विकल्पों की बात करते हैं तो चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक होता है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा फूल उत्पादक नीदरलैंड है, जबकि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः कोलंबिया एवं इक्वेडोर है, लेकिन यहाँ पर इन ऑप्शन के न होने से चीन के बाद भारत का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो भारत का कौन सा प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है इनमें से आपको बताना है, तो इनमें से जो ऑप्शन में से होगा वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भारत के अगर हम प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की बात करते हैं तो इसमें आपका असम आता है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। इन राज्यों में भारत के कुछ चाय उत्पादक का 98% भाग उत्पादित होता है, यानी कि हम जो ये चार राज्यों की हमने बात की, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, इन राज्यों में भारत के कुल चाय उत्पादन का 98% भाग उत्पादित किया जाता है। भारत विश्व में चाय उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व की बेहतरीन चाय की किस्मों का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो दोस्तों दक्कन के पठार की प्रमुख जो फसल होती है, दक्कन में पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ की प्रमुख रेगुर मिट्टी से बोलते हैं, वहाँ की प्रमुख फसल है कपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों भारत के कौन से राज्य है जो कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। भारत का जो जूट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है ये है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिक विद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो किस क्रांति में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। एमएस स्वामीनाथन नामक जो भारतीय अनुवांशिकी विद थे, इन्होंने हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इनके नेतृत्व में ही भारत में गेहूँ की उच्च उत्पादक प्रजातियों का सफलतापूर्वक विकास किया गया था। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग कौन सी फसल उगाता है? तो भारत का सबसे ज़्यादा भाग गन्ना जो है उगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो गन्ना की फसल का उगाया जाता है। गन्ने की खेती भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, ये सभी कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें बड़े स्तर पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान भी है। पहले अगर स्थान की हम बात करते हैं तो वो है ब्राज़ील का, हालांकि भारत के सर्वाधिक भाग पर धान की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प एक भिन्न विकल्प को यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा भिन्न विकल्प होगा? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चावल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कैसे ये भिन्न है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रश्न के अनुसार, तो जो फसलों में जो चावल है ये खाद्यान्न है, जबकि काफ़ी, तंबाकू और गन्ना ये बागानी एवं नकदी फसलें होती हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है जो आज के इस वीडियो सेशन का, तो वह है, भारत सरकार ने भारत में नदियों का
केप को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो कितनी नदियों को, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 12 नदियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। भारत सरकार द्वारा भारत की 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनके अगर हम नाम की यहाँ पर बात करते हैं तो पहला नाम आता है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, चंबल, कावेरी, व्यास, ताप्ती, चिनाब, कृष्णा और सरस्वती नदियाँ इसमें शामिल की गई हैं। 12 मुख्य नदियों का कुल बेसिन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये 252.8 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पर है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शाम के 9 बजे आपको इंडियन पॉलिटी का वीडियो मिल जाएगा और इसी तरह से कल से जो हमारा टर्न होगा वो होगा जनरल साइंस का, तो उसमें भी तीन वीडियोस तीन समय पर मिलेंगे। तीन पहला वीडियो आपको उसमें मिलेगा जो कि फिजिक्स का होगा, वो आपको सुबह के 11 बजे मिलेगा। दूसरा वीडियो आपका केमिस्ट्री का होगा जो कि 1 बजे मिलेगा और तीसरा वीडियो आपको 9 बजे शाम को मिलेगा जो कि बायो का होगा। तो इस तरह से सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।